केदारनाथ भारत का सबसे खूबसूरत और कठिन तीर्थ स्थलों में से एक है। जहां जाने का सपना हर एक भारतीय देखता है। माना जाता है कि यह भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन पाकर मोक्ष के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव यहीं प्रकट हुए थे और उन्होंने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग दिखाया था। और इसी आस्था को लेकर पूरी दुनिया से लोग यहाँ तक का सफर तय करते हैं केदारनाथ के दर्शन पाने के लिए। और हमारा सफर शुरू होता है देहरादून से, जहाँ से हम 42 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचते हैं योग नगरी ऋषिकेश। जहाँ से 72 किलोमीटर की दूरी पर हमें अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देखने को मिलता है देवप्रयाग में। फिर 135 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग, जहां से हम अपने पर्सनल गाड़ी से आगे नहीं जा सकते। यहां पर चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यहाँ से गौरीकुंड तक का सफर गवर्नमेंट गाड़ियों से किया जाता है। गौरीकुंड में उतरने के बाद शुरू होता है केदारनाथ तक का 16 किलोमीटर का फुट ट्रैक, जिसकी शुरुआत होती है गौरीकुंड के बाजार से। यहाँ से कुछ लोग घोड़े पर, कुछ पिट्ठू पर, कुछ पालकी पर, तो कुछ चलकर ही इस यात्रा को पूरी करते हैं। इस लंबे और थकान भरे ट्रैक में आप चाय और सुंदर वादियों का आनंद उठा सकते हैं, जो आपको ट्रैक पूरा करने में मदद करेगा। ट्रैक पूरा होते होते लगभग रात हो चुकी थी। और ये समय था आरती का। अगली सुबह फिर हम चल पड़े केदारनाथ के दर्शन के लिए। जहां की वाइब भी कुछ अलग थी। ये वही भीमशिला है जिसने 2013 में आए बाढ़ से मंदिर की रक्षा की थी।
तो ये था हमारा केदारनाथ तक का सफर। हमने तो केदारनाथ के दर्शन कर लिए, आप कब जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर अपना केदारनाथ का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।